पहले अपन पानी में नहला देते हैं पहले। दीदी दीदी आप नहला के आओ पहले निकाल जाएगी तब मंगानू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और आज का ब्लॉग जो है मैं बहुत ही आस्ती से, मतलब बहुत ही धीरे धीरे शुरू करने वाली हूँ। मतलब कि सुबह मॉर्निंग से ही आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं प्यारे से फूलों के साथ, प्यारी सी ग्रीनरी के साथ, प्यारे से नेचर के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको बताना है कि ये फ्लावर आपको कैसे लगे हैं। और गणेश चतुर्थी का आज लास्ट दिन है मेरे घर पर, आज उनके जो है विसर्जन मैं कर दूँगी। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत अच्छा है, बहुत इन्जॉय वाला है, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ आपको कौन सी चीज़ इसमें सबसे अच्छी लगती है वो मुझे आपको बताना है। और आपको बताना है कि जैसे कि होता है ना घर में थोड़ा सा चहल पहल रहती है, किस किस को भगवान जी की पूजा करना, भगवान जी का मतलब थोड़ा सा स्थापना करना, और स्थापना के साथ साथ क्या क्या चीज़ें आपको घर में करना ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मुझे क्या पसंद है वो धीरे धीरे मैं सारे ब्लॉग में शेयर करूँगी। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि बहुत बुरा था। गुड मॉर्निंग ऑल, कैसे हो आप सब? अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हमको गणेश जी जो है हमारे घर पे गणपति पापा उनकी विसर्जन करने के लिए जाना है। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह सबके लिए बना लिया है नाश्ता, नहा ली हूँ मैं और नहाने के बाद मेरे को करनी है पूजा वगैरह। तो सबसे पहले मैंने बनाई है कॉफ़ी मेरे लिए और बच्चों के लिए बनाए मैंने सैंडविच जो कि ब्रेड से है, घर पर ही बनाती हूँ मैं, कभी बाहर से नहीं खिलाती, बहुत ही कम खाते हैं बाई चांस। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हलवा पूरी जरूर खाना। गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति साथ में स्टूडियो अगले बरस तुम जल्दी आना, हलवा पूरी खा के जाना। आप रखो मैं पढ़ रहा है, कोई भी ना है वैसे का नाम। पानी में खा जाएंगे, बाल्टी में डो दे। कल मैंने उसका संजू का वीडियो देखा था, संजय दत्त का, तो उसने एक ड्रम लिया ऐसा बड़ा सा ब्लू कलर वाला और उसमें उठाया और उसने रख दिया। अब उसके तो हमारे साथ में हमारे एक फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड। अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश जी बाबा को विसर्जित करने के लिए। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का 7:30 हो चुका है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी सूट नहीं किया है, पूजा कर ली है, मैं नहा ली थी, नहा के फिर मैंने पूजा करके जस्ट अभी फ्री हुए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग और मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई है जो यहीं पर रहती है पास में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पर और बीच पर आज मैंने लहंगा लुगड़ी पहना है, तो बीच पर जाके हम विसर्जित करेंगे, घर पर नहीं करेंगे। और पिछली बार भी हमने बीच पे ही किया था
पर अब की बार मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और गणपति पापा के लिए मैंने दाल रख दी, थोड़ी सी चावल रख दिया, सब कुछ रख दिया खाने के लिए, प्रसाद के लिए। तो रास्ते में बना के खा लेंगे, पहुँचेंगे तब तक अपने घर पर। तो अभी चलते हैं जस्ट नीचे। रेलवे स्टेशन के चक्कर में है? ये बोल रही थी हमारी तो क्या बोलते तबीयत खराब है सवन की। मैं हाँ बढ़िया, तू आज क्यों बैठी नहीं आई? फिर मैंने दोबारा नहीं करे तू, मस्त मजा आता ना अगर आती तो सबके साथ। और क्या नहीं, पाइप लाइन फूट गई नहीं, अब की बार पानी ज्यादा है बिट्टू। आधी इधर आओ बेटा, नहा के चलेंगे। चलो सब हम लोग आ चुके हैं अभी बीच पे और अभी करेंगे हम गणेश जी विसर्जित। तो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको विसर्जित कैसे करेंगे हम लोग। वो गिर गई थी ला दो पता नावे का मतलब है भगवान जी, यहाँ थोड़ी कहेगा तुम नहा के आओ, ला जाओ मेरे लटक जाए लाओ। पहले अपन पानी में नहला देते हैं, पहले दीदी दीदी आप नहला के आओ, पहले निकालो जाएगी नन्नू नन्नू। दिखी नहीं रहा फोटो या वीडियो इसी में चालू है। हाँ ये नहीं दिख रहा, गणेश जी नहीं दिख रहा। हाँ देखो आप इस साइड से लेते ना तो ज्यादा है, ले लो जा।
इधर से खुल जाएगी, इधर जाओ। पर काला आ रहा है पूरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ वो सूर्य आ रहा ना इसलिए। मोरिया जब हमने विसर्जन किया तो उस टाइम पे पता ही नहीं लगा वो वीडियो दीदी ने शूट किया था, उनसे शूट हुआ ही नहीं, तो वो मेरे से सॉरी मिस हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और उसके बाद हम लोग चले गए थे नहाने के लिए। नहाने में जो हमारे साथ हुआ ना वो आप सोच भी नहीं सकते, इतने गंदे पानी में जाके हम लोग नहाए ना कि पूरे सिर में पूरे बॉडी में मिट्टी मिट्टी भर गई थी। फिर उसके बाद में हमारा काम हो गया खत्म, तभी हम लोग जा रहे घर पे। सुर की आवाज आ रही, विसर्जित करके आए हैं। हाँ। तो अभी जा रहे हैं हम बारिश के पास। हाँ, समुद्र में नहा लिए हैं। और भी नहा लेंगे वहाँ पे। अच्छा हाँ। आ जाओ फिर जल्दी जल्दी। भैया कह रहे मेरे हाथों में चप पहुँच रही हो।